वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि कुकरेती। तो जहां हम बात करेंगे फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड मोर अबाउट रिव्यू हॉल्स की। तो गाइज, आज का जो मेरा वीडियो है वो कम्प्लीटली होने वाला है रिव्यू हॉल, यानी मैं रिव्यू करने वाली हूँ सूट सेट का, साड़ी का, लहंगा का, जो कि मैंने परचेज किए हैं मीशो एप्लीकेशन से। एक्चुअली मीशो जो है ना, अफोर्डेबल एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको हर रेंज की चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो सूट सेट हो, चाहे वो यूटेंसिल्स हो, चाहे होम एंड किचन का प्रोडक्ट हो एंड कुछ भी हो। एक्चुअली जो प्रोडक्ट मुझे पसंद आते हैं या अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कि ये प्राइस वर्दी है तो मैं उसका रिव्यू करती हूँ। जो लगता है कि नहीं, ये प्राइस वर्दी नहीं है, ये ओके हैं, तो मैं उनका रिव्यू नहीं करती हूँ, या वो भी मैं बता देती हूँ वीडियो में अगर रिव्यू करती भी हूँ कि वो सही नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी, मैं जितने भी प्रोडक्ट्स का यहाँ रिव्यू करती हूँ, स्पेशली कपड़ों का, आफ्टर वॉश करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें हम दिखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उसे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वॉश करते हैं तो उनका कलर जो है कम्प्लीटली आउट हो जाता है। सो इसीलिए जो है मैं आफ्टर वॉश ही रिव्यू करती हूँ। चलिए विदाउट एनी डिले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं साड़ी सेट से। गाइस, प्राइस एंड पिक मैं साइड बाय साइड मेंशन कर दूंगी, जहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली कितना है। सो थोड़े बहुत तो प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हैं। सो फर्स्ट जो साड़ी है वो ये वाली है, एंड ये मीशो में ना काफी ट्रेंडिंग में चल रही थी ये साड़ी का। मतलब एक तो सीक्वेंस वर्क वैसे भी ट्रेंड में है, अभी तो धीरे धीरे आउट होता जा रहा है, क्योंकि सीक्वेंस वर्क की जगह अभी चल रहा है प्रिंटेड वर्क, मतलब प्रिंटेड साड़ी जो है ज़्यादा पसंद की जा रही है। तो ये जो है ना, दोनों का कंबाइन मिक्सचर है। एंड सबसे पहले मैं दिखा दूँ इसका ब्लाउज, जैसे कि देख सकते हैं मैंने प्रॉपरली स्टिच कराया हुआ है, तो उसका मतलब मैंने इसे यूज़ किया है, पहना है, वॉश किया है। तो ये पर्पल कलर का जो है ब्लाउज आपको मिल जाएगा, एंड ये जो है ना वी नेक में ही आपको डिज़ाइन मिलेगा ये ऐसे। तो मैं पास से दिखा दूँ, यह है ब्लाउज जिसमें एक जिसमें अच्छे से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो ये आपको पीस मिलेगा, आपको सिलवाना पड़ेगा। और जो इसमें मिरर लगे हैं ना, ये एक्चुअल वाले मिरर हैं, मीन्स ये प्लास्टिक के मिरर नहीं है, ये जो एक्चुअली जो मिरर होते हैं ना कांच वाले, वो हैं। साड़ी की बात करूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये साड़ी है। लाइक देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसका प्रिंट है। इवन आपने भी शायद, अगर आप मीशो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या उसमें सर्च करते हैं, तो आपको भी जरूर ये साड़ी देखने को मिली होगी। तो इसमें ना पूरी साड़ी में, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक ना सीक्वेंस वर्क मिलेगा आपको। एंड जो नीचे से होता है, यानी स्टार्टिंग फ्रेज जो होता है, उसमें आपको ये वाला प्रिंट मिलेगा। तो गाइस, पर्पल एंड डार्क ब्लू कॉम्बिनेशन में ये जो साड़ी है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये लगी। एंड आप नाइट के फंक्शन में इसको वेयर करते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली है, क्योंकि नाइट में जो इसकी जो ये सिप्पियाँ कह सकते हैं या सितारे कह सकते हैं, हल्के हल्के से शाइन मारते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं दिखा दूँ कम्प्लीट साड़ी का जो वर्क है, ये यहाँ से है पल्लू, पल्लू से लेकर साड़ी, पूरी साड़ी का जो है आपको सेम ही वर्क मिलेगा। एंड ये है साड़ी, एंड बस लास्ट में जो इतना पोर्शन है ना, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन, इसमें आपको वर्क नहीं मिलेगा। सो पार्टीज के लिए, फंक्शन के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए साड़ी बहुत ज्यादा प्राइस वर्थी है। सो चलते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। नेक्स्ट जो साड़ी है वो है ये इसमें जो है ना, कहते हैं जो हैंड प्रिंट होता है, या प्रिंट कह सकते हैं, या जो कपड़े में जो फैब्रिक कलर होता है वो यूज़ करके साड़ी बनाई गई है। एंड जब मैंने इसे देखा था ना गाइज, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये। वैसे जो है इसका बेस जो है वाइट है, ये वाइट कलर की साड़ी है, और इसमें जो है इस टाइप का कलरफुल जो है प्रिंट मिलेगा। सो ओपन करने के बाद देख सकते हैं आप, इसमें ये मोर पंख टाइप का बना हुआ है कि ये साड़ी ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ग्रीन ग्रीन कलर का इसमें पूरा प्रिंट है, विद येल्लो, मतलब मल्टी कलर कह सकते हैं आप इसको ना। ये एक ट्री सा इसमें बनाया गया है, एंड आपको ना साइड बाय साइड ये बॉर्डर भी मिलेगी गोल्डन कलर की, जो कि पूरी साड़ी में ये बॉर्डर है।
तो गाइस ये इसका कुछ प्रिंट है कि मैं इमेज जो है इसकी शेयर कर दूंगी, जहां से आप आइडिया लगा सकते हैं ऑल ओवर ये पहनने के बाद कैसी लगने वाली है। एंड यू नो व्हाइट कलर की जो साड़ी होती है या लाइक क्रीम कलर की साड़ी होती है, जो दिन के फंक्शन होते हैं या कोई छोटा मोटा फंक्शन है, पार्टी है, या आप किसी के घर में जा रहे हैं, इनविटेशन मिला है आपको वहाँ पे, तो वहाँ पे आप इसको कैरी करके जाएंगे ना, तो डेफिनेटली सामने वाला पूछने वाला आप ये साड़ी कहाँ से लेके आए हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये साड़ी है, बहुत ही सुंदर ये साड़ी। एंड इसमें आपको मिलेगा ग्रीन कलर का ब्लाउज, जो कि डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज है। अभी मुझे लग रहा है मुझसे मिसप्लेस हो गया, मिसप्लेस क्या अभी दूसरी साड़ी में कहीं मिक्स हो गया, तो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, सो मैं यहाँ पे अभी नहीं दिखा पाऊंगी, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये साड़ी जो है ना बहुत अच्छी है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप इसको ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ पहने, आप इसे येलो, ब्राउन, पिंक, किसी भी कलर के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। सो अब मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो मैंने गाउन लिए हैं, बहुत हैवी गाउन नहीं है, नॉर्मल गाउन है, सूट सेट आप उनको कह सकते हैं। तो पहला जो है वो है येलो कलर का, तो ये है गाउन प्रिंटेड पूरा, मतलब इसमें येलो में ना ग्रीन एंड पिंक और ब्राउन ब्राउन से जो फ्लावर प्रिंट है वो बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है गाइज, इसका जो फ्लेयर है ना, फ्लेयर बहुत अच्छा है इसका, आगे से ऐसा है, मतलब इसमें राउंड नेक आपको मिलेगा एंड बैक से भी राउंड ही है, 1/3 स्लीव्स आपको मिल जाएंगी। और ये देख सकते हैं यहाँ से जो इसका फ्लेयर स्टार्ट है वो काफी अच्छा इसका फ्लेयर है, मतलब मैं पूरा वीडियो में कवर भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना अच्छा इसका फ्लेयर है। और अगर प्राइस की बात करूँ तो प्राइस भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मुझे लग रहा है 700-800 के बीच में इसका प्राइस होगा, बाकी वो तो मैं पिक शेयर कर दूंगी आपसे। ये वाला जो गाउन है ना, मैंने अपने बेबी के प्री बर्थडे फोटोशूट में पहना था, तो उसकी पिक भी मैं जरूर शेयर करूंगी, तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हैं कैसा लगने वाला है पहनने के बाद। और इसके साथ गाइस बॉटम वियर नहीं मिला है, इसके साथ मिला है एक दुपट्टा, ये है इसका दुपट्टा, ऐसे इसमें बॉर्डर मिल जाएगी। जो सूट सेट है ये पूरा जॉर्जेट में है, एज यू नो जॉर्जेट का तो कलर वैसे भी नहीं आउट होता है, जॉर्जेट को आप कितनी बार भी पहनेंगे ना उसका कलर आउट नहीं होने वाला है। अगला जो है अगेन है एक सूट सेट, या ऐसा आप गाउन कह सकते हैं ये, एंड ये प्रॉपर पार्टी वियर सूट सेट है, इसी तरीके की जो है पॉलिथिन में मुझे मिला था, प्रॉपर चिकनकारी सूट सेट है ये, या ऐसे आप गाउन भी कह सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें चिकनकारी वर्क हुआ पड़ा है। सबसे पहले अगर मैं नेक की बात करूं तो इसमें राउंड नेक मिलेगा, बैक साइड से आपको अगेन राउंड मिलेगा, एंड इसमें मिलेगी डोरी, एंड इसकी 1/3 स्लीव आपको मिल जाएंगी स्लीव्स। इसमें जो है ना बीच बीच में सिपियां भी दी गई हैं, देख सकते हैं आप जो वीडियो में ना थोड़ी बहुत शाइन भी मार रही होंगी। आप इसको नाइट पार्टी में वेयर करेंगे ना तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है। एक तो जो चिकनकारी कपड़ा है, ड्रेसेस है, इनका जो फैशन है ना कभी आउट नहीं होता है, इनको आप डे फंक्शन में, नाइट फंक्शन में कभी भी पहने, चिकनकारी साड़ी, चिकनकारी सूट सेट तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। और येल्लो कलर तो मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने जो है ये येल्लो कलर में लिया। बाकी इसमें दो कलर और अवेलेबल है, व्हाइट एंड रेड, तो आप अपनी चॉइस के अनुसार ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद है वो वाला कलर। एंड अगर मैं इसके फ्लेयर की बात करूँ तो बहुत अच्छा इसका फ्लेयर नहीं है, इसका फ्लेयर ओके है, लेकिन इतना है कि देखने में दूर से अच्छा लगे, अंदर से भी ना आपको ये कपड़ा मिलेगा। सो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से इसके लिए इनर वेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चिकनकारी कपड़े होते हैं ना उसके लिए मोस्टली हमें जो है अलग से इनर परचेज करनी पड़ती है, उसके बाद जो है वो सूट कुर्ती डालनी पड़ती है, लेकिन इसमें अंदर से अटैच कपड़ा आपको मिलेगा, सो आपको कुछ नहीं करना है, परचेज करना है एंड पहनना है। अगेन ये जो है जॉर्जेट में है, जॉर्जेट में थ्रेड वर्क है, एंड मैंने इसको जब वॉश किया तो इसका कोई भी कलर आउट नहीं हुआ है। और इसमें मिला है दुपट्टा, तो ये है इसका दुपट्टा येलो कलर का, तो चारों साइड से इसमें बॉर्डर मिलेगी ये वाली, एंड ये प्लेन दुपट्टा है। एक्चुअली क्या है ना, इसके सूट में इतना ज्यादा वर्क है इसलिए इसका दुपट्टा प्लेन दिया गया है, सो जब हैवी वर्क के हम जो सूट सेट डालते हैं ना तो उसमें प्लेन दुपट्टे ही अच्छे लगते हैं।
इट इज माई नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मीशो। तो ये इस पॉलिथीन में मुझे मिला था और ये है मेरा प्यारा सा लहंगा। एंड इस लहंगे को लेने के लिए ना गाइस सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जब इसे इमेज में देखा था तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग तो ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हम कुछ कपड़े मंगा तो लेते हैं लेकिन जब घर आता है ना वो तब तो पता चलता है एक्चुअलिटी इसकी है क्या, पहनने लायक है भी या नहीं। सो ये लहंगे की बात करूँ तो ये है लहंगा। तो गाइस ये सेमी स्टिच्ड मिलेगा लेकिन ये मैंने प्रॉपरली स्टिच कराया हुआ है, तो इसके ऊपर ऐसे बॉर्डर मिलेगी आपको एंड पूरे में मिरर वर्क मिलेगा लहंगे, पूरे लहंगे में। एंड जो इसकी बॉटम है ना उसमें आपको इतना चौड़ा सा बॉर्डर मिलेगा पिंक कलर का। और ये जो वर्क है इसमें एक तो सीक्वेंस वर्क है और जो ये नीचे वर्क है इसमें मिरर लगे हैं लेकिन प्लास्टिक के, एंड प्लास्टिक के मिरर जो है ना कुछ प्रॉब्लम नहीं देते हैं, पहनने में ना चुभते हैं ना कुछ। एंड इसमें टसल्स भी आपको मिलेंगी साथ में। तो ये है लहंगा और ये भी काफ़ी अच्छे फ्लेयर में मुझे मिला, काफ़ी अच्छे फ्लेयर में। पहले मैं सोच रही थी अगर इसका कम फ्लेयर होगा तो मैं इसमें केन लगवाऊंगी, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें केन लगवाने की। एंड इसको मैंने वियर किया हुआ है जिसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं इसका फ्लेयर कितना अच्छा है। अंदर से इसमें ये कपड़ा मिलेगा और उसके अंदर भी आपको ये कपड़ा मिलेगा, कपड़ा क्या इसे केन कह सकते हैं आप, ये केन मिलेगी। सो अब मैं इसकी ब्लाउज की बात करूं तो ये ब्लाउज पीस मुझे मिला था, इसको मैंने स्टिच करवाया है, ये अनस्टिच मिलेगा आपको, इसमें भी आपको मिरर वर्क मिलेगा। सो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ब्लाउज सिलवा सकते हैं, अगर आपको डीप नेक पसंद है तो डीप नेक सिलवा सकते हैं, नॉर्मल ब्लाउज पहनना पसंद है तो आप वो भी पहन सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो ये पिंक कलर में है, ये पूरा लहंगा जो है ना एक्चुअली पिंक कलर में ही है। लास्ट में आती है इसके दुपट्टे की बारी, तो ये है इसका दुपट्टा जिसमें आपको चारों साइड से बॉर्डर मिलेगी। एंड ये दुपट्टा है ना बहुत ज्यादा इसकी लेंथ नहीं है लेकिन बहुत छोटी भी इसकी लेंथ नहीं है, ये इसकी जो है चौड़ाई है पूरी। इतना हैवी अगर हम लहंगा कैरी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है जो इसका दुपट्टा है थोड़ा पतला ही होना चाहिए। सो इसको भी जब मैंने वियर किया तो काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे कि कहाँ से परचेज किया, कहाँ से परचेज किया। एंड जब इसका मैंने प्राइस बताया तो और भी ज़्यादा रीजनेबल लगा, क्योंकि जब हम लोकल मार्केट से भी लेने जाते हैं ना तो हमें 2000 की स्टार्टिंग से ही जो है लहंगाज मिलते हैं, 2000 तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, और ये मुझे शायद 1700 या 1800 का पड़ा था। तो इतना अच्छा लहंगा मतलब मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक चीज़ और मैं बता दूँ गाइज, मैं जो भी रिव्यू हॉल करती हूँ ना सूट सेट का, तो ये मैं आफ्टर वॉश तो करती हूँ तो उसमें जो है थोड़ा टाइम लग जाता है। मतलब जैसे मैंने आज प्रोडक्ट परचेज किया है तो मैं इसका रिव्यू हो सकता है एक हफ्ते बाद करूँ या दो हफ्ते बाद करूँ, लेकिन जैसे ही ये मुझे रिसीव होता है ना तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियोज़ बनाती हूँ जो कि मैं अपने शॉर्ट्स में डालती हूँ। तो आप ना मेरे शॉर्ट्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो भी न्यू कलेक्शन है, जो भी न्यू चीज़ें हैं वो मैं शॉर्ट्स में डेली अपडेट करती हूँ, अलग अलग चीज़ें। इवन मैं बेबी के लिए भी जो क्लोथ्स लेती हूँ, चाहे वो फर्स्ट क्राई से लूँ चाहे वो मीशो से लूँ, वो मैं शॉर्ट्स में डालती हूँ, तो अनबॉक्सिंग में आपको पता चल जाता है कि हाँ कि कैसा है, जो ट्रेंड में चल रहा है आजकल वो एक्चुअल में है भी अच्छा या नहीं। सो गाइज आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। सो इसके बाद मैं रिव्यू हॉल करने वाली हूँ कुर्ती सेट का, ऑफिस वेयर कुर्ती सेट का, कैजुअल कुर्ती सेट का, तो उसे देखना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।